नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गुर्जर संज्ञान प्रतियोगी संस्थान मन्नीकवाड़ा अलोर से। तो दोस्तों, हम आज यानी मंडे की हम करंट अफेयर्स का अवकाश रखते हैं। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो दोस्तों, कंप्यूटर का मैं रेगुलर आपको 30 मार्च तक रेगुलर आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो कंप्यूटर में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंप्यूटर की जो डिवाइसेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेज। तो दोस्तों देखिए, इनपुट डिवाइसेज आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड दोस्तों क्या है, इनपुट डिवाइस। दूसरा हम बात करते हैं तो माउस इनपुट डिवाइस है। तीसरा हम बात करते हैं तो जैसे लाइट पेन ये दोस्तों क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे एमआईसीआर दोस्तों इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ओएमआर, उसके बाद हम बात करते हैं तो ओसीआर, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दोस्तों बीसीआर, और दोस्तों जैसे हम बात करते हैं जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेज है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो अन्य जैसे ट्रैक बॉल। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो आपने माइक के बारे में सुना होगा, माइक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपने इनपुट डिवाइस और भी बहुत सारे सुने होंगे, जैसे वेब कैमरा, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस के बारे में के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, एमआईसीआर, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक, वेब कैमरा, स्कैनर एक होता है स्कैनर, तो ये सभी दोस्तों क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं तो देखिए, कीबोर्ड का सर्वाधिक उपयोग होता है और माउस का भी आप उपयोग जानते ही हो। लाइट पेन से क्या किया जाता है दोस्तों, लाइट पेन से जो कोई ग्राफिक्स वगैरह बनाई जाती है, पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, उसके लिए लाइट पेन का उपयोग कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं MICR, तो देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये किसके MICR का फुल फॉर्म है जो दोस्तों पूछा जाता है आपसे। OMR की बात करते हैं तो ये देखिए दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। और दोस्तों देखिए, जो MICR है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बैंक की जो चेक होते हैं उनकी छपाई में इसका उपयोग होता है। OMR का उपयोग दोस्तों किसमें होता है, तो OMR का उपयोग होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनकी जो सीट्स होती हैं उनको चेक करने में OMR का उपयोग किया जाता है, जैसे साइज या पेंसिल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए OMR का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं OCR, तो देखिए दोस्तों ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल जो कैरेक्टर रीडर है इसका उपयोग कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम BCR, तो दोस्तों ये क्या होता है, बार कोड रीडर, यानी जो बार कोड होते हैं उनको जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, BCR का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपने देखा भी होगा, जैसे आप कहाँ पर जाते हो, जैसे कहीं पर कोई मॉल में जाते हो, वहां से कोई चीजें आप खरीदते हो तो उन पर एक मशीन होती है, उसको वो किया जाता है, तो उनसे क्या बार कोड होते हैं उनको पढ़ा जाता है। तो BCR तो ये इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, बार कोड पढ़ने में।
इसके बाद हम बात करते हैं जॉयस्टिक। तो देखिए दोस्तों, जॉयस्टिक से क्या होता है, जो बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें उपयोग किया जाता है इनपुट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल दोस्तों क्या, एक माउस की तरह ही होता है जिसमें एक बॉल लगी होती है, बॉल को अंगूठे से या उंगली से घुमा करके पॉइंटर को सेट किया जाता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। दोस्तों माइक, माइक की बात करते हैं तो माइक का उपयोग सभी जैसे टीचर्स भी करते हैं, या कहीं भी आप कोई भी सम्मेलन वगैरह में जाते हैं तो वहां पर भी, तो ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद बात करते हैं तो वेब कैमरा, ये भी इसी तरीके से स्कैनर का दोस्तों उपयोग किस में किया जाता है, जैसे आपको कोई भी वो है, कोई भी मान लीजिए आपको आपकी मार्कशीट है उसका हूबहू मतलब दूसरा कॉपी निकालनी है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये क्या थी इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जैसे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हम बात करते हैं, देखिए सबसे जो फेमस है आउटपुट डिवाइस वो है मॉनिटर। क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, इसका जो स्क्रीन होता है मॉनिटर का उसको VDU भी कहते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, VDU यानी क्या है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनिटर की स्क्रीन को VDU कहते हैं अपन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जहां पर हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो देखिए दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो भी हमें कंप्यूटर में जो भी हमने इनपुट दिया है उसको दिखाने के लिए जो यूज में आती है उन सबको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में दोस्तों आपने प्लॉटर भी सुना होगा, तो देखिए दोस्तों प्लॉटर भी कैसा है आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों प्लॉटर का उपयोग किया जाता है जैसे बैनर वगैरह बनाए जाते हैं जो कोचिंग के, या बड़े 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 जो होर्डिंग्स वगैरह बनते हैं उनके जो बैनर बनाए जाते हैं सभी प्रकार के, चाहे कोचिंग हो चाहे कोई हॉस्पिटल हो या कोई दुकान हो, सबके जो बैनर वगैरह बनते हैं वो किसका उपयोग किया जाता है वहां पर, प्लॉटर का। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस में स्पीकर भी आता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपन कोई भी गाना वगैरह सुनते हैं तो वो क्या है आउटपुट हो रहा है, आउटपुट हमें मिल रहा है उस चीज का, तो स्पीकर भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपने दोस्तों देखा होगा, और देखिए दोस्तों एक इनपुट डिवाइस में टच स्क्रीन को भी माना जाता है, टच स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन के द्वारा भी दोस्तों क्या दिया जाता है, आउटपुट दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है। तो देखिए मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक CRT मॉनिटर होता है आपने सुना होगा, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, तो ये CRT मॉनिटर होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, उससे क्या इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाती है जिससे स्क्रीन पर क्या चमक उत्पन्न होती है जिससे हमें चीजें दिखाई देती हैं। उसके बाद आपने मॉनिटर के बारे में एक सुना होगा LCD मॉनिटर आते थे पहले, उससे पहले CRT मॉनिटर आते थे। तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ जो आयंस वगैरह होते हैं उनसे चमक उत्पन्न होती है और हमें चीजें आउटपुट होती हैं, है ना। तो दोस्तों एक तो CRT है, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, एक LCD है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये भी किसमें आता है, मॉनिटर का ही बाद आउटपुट डिवाइस है। आजकल जो मॉनिटर का उपयोग किया जा रहा है वो दोस्तों क्या है, वो है LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो आजकल ज्यादा उपयोग किसका हो रहा है दोस्तों,
आजकल ज्यादा उपयोग हो रहा है एलईडी का, तो आपको ये यहां तक देख लेना है, फिर आगे बात करते हैं हम।